राजस्थान के कोटा शहर में शमशान घाट से अस्थियां चोरी होने का एक मामला सामने आया है। अंतिम संस्कार की जगह जादू टोने का सामान वहां पर मिला। युवक के दाह संस्कार के बाद जब परिजन अस्थियां चुनने गए तब इस मामले का खुलासा हुआ। परिवार के हंगामे के बाद अनंतपुरा और महावीर नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई। दरअसल यह मामला कोटा के सुभाष नगर इलाके में स्थित मुक्तिधाम का है, जहां दो दिन पहले शुभम ओझा का अंतिम संस्कार किया गया था। घर वाले आज सुबह अस्थियां चुनने आए तो चिता के पास नींबू, शराब और मांस के टुकड़े पड़े मिले। घर वालों का आरोप है कि यहां तांत्रिक क्रिया की गई है। लोगों से तंत्र मंत्र क्रियाओं में इस्तेमाल करने के लिए अस्थियां ले जाने का अंदेशा जताया है। इससे पहले भी इसी मुक्ति धाम में एक महिला के अंतिम संस्कार के बाद उसकी भी अस्थियां गायब हो चुकी हैं। शहर में पहले भी कई इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। छावनी मुक्ति धाम के एक युवक के अंतिम संस्कार के बाद उसकी भी अस्थियां गायब हो गई थी। उस जगह सिर्फ गिनी चुनी अस्थियां ही मिली हैं। वहीं बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के मानपुर स्थित शमशान से अस्थियां गायब होने का एक मामला सामने आया था। एक युवती के अंतिम संस्कार के बाद परिजन और ग्रामीण तीय की रस्म के बाद शमशान पहुंचे तो वहां अस्थियां लेने पहुंचने पर पता चला कि अस्थियां गायब हैं। पहले भी कई बार प्रशासन को इससे अवगत करवा दिया गया था, लेकिन इस मामले में कोई ध्यान नहीं देता है। पता नहीं क्या बात है, पहली बार नहीं, कई बार पहले हो चुकी है ऐसी घटना। आप स्थिति सामने देख सकते हो, इस तरीके से गलत काम करते हैं लोग, अस्थियों के साथ छेड़खानी करते हैं। शुभम नाम का बंदा है, मेरे वार्ड का है, 25 वर्षीय बालक है जो उसका देहांत हुआ था आज से दो दिन पहले, और आज उसके परिवार जन यहाँ आए तो यहाँ देखा तो स्थिति ऐसी थी कि नींबू वीबू और मांस के टुकड़े वगैरह, दारू वगैरह यहाँ पटक रखी है, उसके साथ कपाल के साथ छेड़खानी की, उसकी अस्थियों को चोरी किया गया।